जनपद मुरादाबाद ब्लॉक भगतपुर टांडा के ग्राम पंचायत लखनपुर लाडपुर से प्रधान पद उम्मीदवार अनीशा पत्नी रौनक अली ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 63 मतों से हराकर जीत दर्ज की। इस अवसर पर गांव पहुंचने पर उनके समर्थकों ने उनका फूल माला पहनाकर जबरदस्त स्वागत किया। साथ ही नव निर्वाचित प्रधान अनीशा के पति रौनक अली ने सभी ग्राम वासियों का धन्यवाद किया और कहा कि जिस तरह गाँव वालों ने मेरी पत्नी को चुनाव जिताया है, मैं वादा करता हूँ सभी ग्राम वासियों की हमेशा दिल से सेवा करूँगा। गांव की सड़कों का निर्माण, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल, साफ सफाई पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। जनता ने मेरी पत्नी को प्रधान चुना है। सभी गांव की जनता ने? सभी गांव की जनता ने। अच्छा सर, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आभारी है। जैसे कि सर अभी देखने में आया है कि यहाँ आपकी पत्नी को जनता ने प्रधान चुना है और सेवा का मौका दिया है, जिस तरह से जनता ने आपकी पत्नी को गांव में सेवा करने का मौका दिया है, तो क्या आप वाकई में 5 साल गांव की जनता की सेवा करेंगे? इसी तरीके से हम जनता की 5 साल सेवा करेंगे। 5 साल सेवा करेंगे हर संभव। हर संभव सर। अच्छा सर, कुछ अब यहाँ पहले देखा गया है कि आपके यहाँ से जो रोड, यहाँ सड़कें हैं वो जर्जर हालत में हैं, आपके कार्यकाल में क्या वो सड़कों का निर्माण सही होगा? सड़कों का निर्माण सही होगा। अच्छे रास्ते हैं और पक्के होने हैं, जी, की मरम्मत होनी है जी। और साफ सफाई का कैसे ध्यान रखेंगे? साफ सफाई पर पूरी ध्यान दिया जाएगा, पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा। बाकी जो स्कूल की व्यवस्थाएं हैं वो क्या सही हो पाएंगी? बिल्कुल सही हो पाएंगे सर। अच्छा सर, यहाँ कुछ गाँव में गरीब जनता भी है, उन्हें क्या आप आवास दिलाएंगे? आवासों की फुल कोशिश करी जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी। देखिएगा, यहाँ आज रौनक जी की धर्मपत्नी को प्रधान प्रत्याशी गांव वालों ने घोषित किया है और ये जीत कर आए हैं और स्वागत किया गया है। यहाँ जनता भी है, हम उनसे थोड़ा और पूछ लेते हैं। हम नौशहरी, कहाँ के निवासी हैं? लखनपुर लाडपुर। सर, जैसे कि अभी यहाँ आपने स्वागत किया है प्रधान जी का, तो सर आपने कितने वोटों से यहाँ इनको जिताया है? जी 63 वोटों से। 63 वोटों से यहाँ जीत इन्होंने प्राप्त की है जी। जो आपके प्रतिद्वंदी थे जो हारे हैं वो कितने वोट उन पर आए थे? उन पे 323। और इन पे प्रधान जी पे कितने वोट आए थे? 386। तो बड़े अंतर से आपने जीत प्राप्त की है, तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं? क्या गांव की जनता ने पूर्ण समर्थन के साथ इनको जिताया? जनता के आभारी हैं और पूरी जनता ने बहुत सहयोग दिया है, पूरी जनता ने। अच्छा सर, आज जनता इन पे विश्वास करके इनको जनता ने जिताया है जी, तो जी। आपको क्या विश्वास है कि ये पूरे 5 साल जनता के विश्वास पर हमेशा खड़े होंगे? उम्मीद पे कायम है, पूरा भरोसा है कि 5 साल तक पूरे तट पर डटे रहेंगे, अच्छी तरह से गांव की जनता की सेवा होगी जी जी।